क्वेश्चन नंबर वन, ए बी की अपेक्षा 2 गुना कार्य कुशल है। यदि बी किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 12 दिन में समाप्त कर देता है तो ए और बी एक साथ कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगाएंगे। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे आप लोग। फास्ट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वर्क इक्वल टू कार्य कैसे निकालते हैं, समय गुणे क्षमता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 पर्सन है ए और बी। दिया गया है ए बी की अपेक्षा 2 गुना कार्य कुशल है। ए बी, अगर मान लें बी की क्षमता 1 है तो ए की कितनी होगी? 2, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ए जो है बी से 2 गुना है। ठीक है, ये है इसकी इफिशियंसी, क्या है? क्षमता। ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, अगर इसकी 1 मान लें तो ये 2 है। अब दिया गया है बी किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 12 दिन में समाप्त कर देता है। बी जो है 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देता है। ठीक है, अब देखिए बी, देखिए बी की क्षमता 1 है, 12 दिन में समाप्त करता है, यानी टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, कार्य बराबर समय गुणे क्षमता, ये टाइम है, समय गुणे क्षमता 12। अब देखिए जब कार्य 12 है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? इसको कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। ठीक है, यहां पे कार्य 12 हो गया, 12/2 यानी इसको 6 दिन लगेगा। ठीक है, अब देखिए ए और बी एक साथ कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो पूछा गया है ए प्लस बी, ये दोनों कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो टोटल कार्य कितना है? 12। अब दोनों की क्षमता मतलब 2, 1, 3, तो कितना आ जाएगा? 4 दिन में समाप्त कर देंगे दोनों। ठीक है, ए और बी कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे? पूछा गया है समय, समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे क्षमता, टोटल कार्य 12 और क्षमता दोनों की 3, यानी आपका आंसर जो आएगा 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक माँ तथा उसकी पुत्री की आयु का योग 60 वर्ष है। 12 वर्ष पहले माँ अपनी पुत्री की आयु की 8 गुनी थी, वर्तमान में पुत्री की आयु कितनी है? ठीक है, वर्तमान में डॉटर की एज कितनी है, ये आप लोगों को काउंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है? एक माँ तथा उसकी पुत्री, यानी मदर और डॉटर, इनकी आयु का योग क्या है? 60 वर्ष। ठीक है, अब दिया गया है 12 वर्ष पहले तो m-12, मदर की आयु m-12 और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? d-12। माँ जो है अपनी पुत्री से 8 गुना थी। ठीक है, तो m-12, d-12, ये हो गई डॉटर, ये हो गई मदर, और ये 8 गुना थी पुत्री से। ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, m-12/d-12 बराबर 8/1, यहां से गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? m-12/8d-12। ठीक है, यहां से गुणा कर देंगे, 8d-12/8। ठीक है, ये हो जाएगा m, इसको इधर ले कर आएंगे, m-8d, यहाँ पे हो जाएगा 96 और यहाँ पे +12। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, m-8d बराबर -96 + 12 आया है। यहाँ से देखिए m का मान आप लोग निकाल सकते हैं, m बराबर क्या आएगा? 60-d, तो यहाँ पे हो जाएगा 60-d -8d बराबर -96 + 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60-9d बराबर, इधर आएगा आपका -84। ठीक है, यहाँ से -9d -84 -60 कितना आ जाएगा आपका? 144। ठीक है, -144 और d का मान आएगा आपका 16। d का मान क्या आएगा आपका? 16, और d का मान ही आप लोगों को निकालना है, यानी d का मान आ गया 16 और यही आप लोगों को निकालना है पुत्री की आयु। ठीक है, तो पुत्री की आयु कितनी आ गई? 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 207 × 781 × 39 × 94 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? दिया गया है 207 × 781 × 39 × 94, इसमें आप लोगों को इकाई का अंक पता करना है। तो इकाई का अंक पता करना है, इसलिए बस आप लोग इकाई वाले अंक पे ध्यान देंगे। यहाँ पे 7 है, 1 है, 9 है, 4 है, 4, 9, 1, 7, आप लोग बस इकाई वाले अंक का गुणा करेंगे, 7, 1, 9 × 4। तो यहाँ पे देखिए 7 × 7, यहाँ पे 9 का गुणा करेंगे 63 आएगा, तो 63 में भी आप लोग बस 3 लेंगे, 4 गुणा करेंगे 12 आएगा, और 12 में इकाई वाला अंक क्या है? 2। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आ गया आपका? 2। ठीक है,
इकाई वाला अंक पता करना है, यानी आप लोगों को बस इकाई वाले अंक में ही गुणा करना है। ठीक है, 7 9 63, तो 63 में भी 3 को बस लेना है, 3 6 12, और 12 में भी बस 2 को। ठीक है, इकाई वाला अंक क्या आएगा आपका, 2। क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12 15 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या पूछा गया है, यानी आप लोग इसमें एलसीएम निकालेंगे, 12 15 20 54। ठीक है, इन चारों का आप लोग क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 540। अब जो एलसीएम आया है 540, अगर इसमें 12 15 20 54 से भाग करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, लेकिन पूछा इसमें क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए, तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, 544 जो है आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। तो क्या करना है, इसमें 12 15 20 और 54 इसका निकालना है एलसीएम, और इसमें जो 4 शेष बचता है उसे जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा 544। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है, वह संख्या है, तो इसको आप लोग दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, आप लोग मानकर हल कर सकते हैं, तो आप लोग मानेंगे तो मान लीजिए संख्या x है, x का 1/7, फिर x का 1/11 यानी x/11। अब देखिए x का 1/7, अब ये जो संख्या है इससे 100 अधिक है, तो इसमें आप लोग 100 ऐड करेंगे इस वाले में, तब दोनों तब आपका दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या का 1/7 उसी संख्या का 1/11, और कौन ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो इसमें 100 ऐड करेंगे, तो इधर हो जाएगा x/7 - x/11 = 100। ठीक है, तो यहां से देखिए ये हो जाएगा आपका 11x - 7x, और नीचे 77 = 100, 4x/77 = 100। ठीक है, तो यहां से 4x = 7700, एक्स का मान आ जाएगा 1925। ठीक है, एक्स का मान आ गया यानी संख्या निकल गई 1925। और दूसरा तरीका है, आप लोग डायरेक्ट हल कर सकते हैं, मान लीजिए संख्या क्या है, एक है, मान लीजिए संख्या एक है, एक संख्या का 1/7, तो एक का 1/7 तो यही आएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग एक एक बात और ध्यान दीजिए, एक संख्या का 1/7 और उसी संख्या के 1/11 से 100 अधिक है, यानी दोनों में अंतर कितने का है, 1/7 और 1/11 दोनों में अंतर कितने का है, 100 का है। ठीक है, एक संख्या का 1/7 एक उसी संख्या के 1/11 हिस्से से 100 अधिक है, तो दोनों में अंतर कितने का होगा, 100 का होगा। ठीक, तो यहां से 77 11 - 7 = 100, 4/77 = 100, 4 = 7700, और यहां से एक का मान क्या आ जाएगा, 1925। ठीक है, एक का मान यानी आप लोगों ने संख्या एक मान ली है, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, आप लोग दोनों तरीकों से हल कर सकते हैं, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।